कल्टर का कौन से फसल में किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए यह ठीक से पता होने के बाद ही कल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इसके विपरीत परिणामों से आपका नुकसान भी हो सकता है। वीडियो में हम कल्टर क्या है और उसे किस फसल में क्यों इस्तेमाल करना है इस विषय में जानकारी देंगे और अंत में आज की खास बात। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कल्टर एक ट्राइजोल ग्रुप का फंजीसाइड है। जी हाँ, यह एक फंजीसाइड है जिसका इस्तेमाल फंगस को मारने में कम और ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल आपके टिल्ट की तरह। इसका हमने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिया है। आगे चलने से पहले आप यह जान लें कि हर एक वीडियो की जानकारी हम वेरीफाई करके और ढूंढ ढूंढ के आपको देते हैं। इतनी मेहनत पर एक लाइक और शेयर बनता है। चलिए अब वीडियो की तरफ। कल्टर सिजेंटा कंपनी का आता है जिसमें पेक्लोबिट्रेजोल 23% एसी फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। कल्टर फसलों में वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाता है, जैसे कि फल और फूल, जिसे उपज में बढ़ोतरी होती है। कल्टर फल और फूलों को समय से पहले लाने की भी क्षमता रखता है। कल्टर से पत्तियां हरी भरी होकर ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए इसे फाइटोरेगुलेटर भी कहते हैं। और तो और कल्टर फसलों को ठंड से होने वाले विपरीत परिणामों से भी बचाता है। यह सबसे पहले हापुस आम में विगर कम करके हर साल अच्छे उत्पादन लाने के लिए इस्तेमाल करते थे और अब लगभग सभी फसलों में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है, जैसे कि प्याज, लहसुन, आलू, मूंगफली, अनार, अंगूर आदि। इसका डोज ज़्यादातर किसान अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करते हैं। इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से हमारा नुकसान भी हो सकता है। कल्टर का डोज जानने से पहले यह जाने कि कल्टर स्प्रेइंग से इतना रिजल्ट नहीं देता जितना कि इसके ड्रेंचिंग के इस्तेमाल से मिलता है। यह मैं नहीं कह रहा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर देख सकते हो। ड्रेंचिंग के लिए कल्टर एक एकड़ के लिए 250 ग्राम कल्टर का इस्तेमाल करें। यदि आपको कल्टर स्प्रेइंग करना ही है तो आप 50 मिली कल्टर 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और अब अंत में आज की खास बात। कल्टर स्प्रेइंग के बाद पत्तियों का बढ़ना रुक जाता है और व्हाइट रूट तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए इसे ज़मीन के अंदर होने वाली फसलों में इस्तेमाल करके हम हमारी उपज और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मूंगफली, प्याज, लहसुन, आलू आदि। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करो, नए वालों प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जय जवान, जय किसान।